नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और घंटी के निशान को ऑल पर दबा दें। और अगर आप अभी तक हमारे WhatsApp या Telegram ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमें अब ऑल पर से मैसेज करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, लेकिन कारण अवश्य बता दें ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर ले। वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब वीडियो का मजा लीजिए। हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं विशाल। तो आज हमने गेमर्स इसलिए बोला क्योंकि आज से गेमिंग की सीरीज स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट वीडियो गेम की आ रही है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम हैंड क्रिकेट ऑफलाइन को कैसे खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने टॉप 10 गेम के ऊपर वीडियो डाली थी, जिसमें से हम पहले हैंड क्रिकेट से शुरुआत करेंगे। ओके, तो हैंड क्रिकेट ऑफलाइन को कैसे खेलते हैं ये आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और जो मैंने बर्थडे सरप्राइज वाली वीडियो अपलोड करी है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उसमें लोग विनर बन सके। और अब तक अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, हैंड क्रिकेट ऑफलाइन भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे ये प्ले स्टोर पे भी है, ठीक है, तो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमने होम पेज पे, मतलब जो हमारे चैनल का होम पेज पे है उस पे हमने अपना सेकंड चैनल ऐड किया है जिसका नाम है टेक शॉट फॉर वीआई, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, लेकिन मंडे से उस पर वीडियो अपलोड होगी। और जैसे इस चैनल पे टेक्नोलॉजी की वीडियो हम अपलोड करते हैं लॉन्ग में, वैसे उस पर शॉर्ट चीजें हम टेक्नोलॉजी के बताया करेंगे। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं शॉर्ट, है ना, तो मतलब शॉर्ट वीडियो हम उसमें अपलोड किया करेंगे। तो आप लोग उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल। चलिए होम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि गेम कैसी है और गेम को कैसे खेलना है। गाइस, आ चुके हैं हम स्क्रीन के ऊपर। और ये जो गेम है ये नॉर्मल लोग भी खेल सकते हैं जिनको दिखाई देता है, और ब्लाइंड भी खेल सकते हैं। खेलने के लिए आपको एक्सप्लो बाय टच का यूज करना होगा, ठीक है। लेफ्ट बाय सर्व करेंगे तब भी, लेकिन एक्सप्लो बाय टच अच्छा रहेगा। तो मैं आपको एक्सप्लो बाय टच करके ही दिखाऊंगा, आप लेफ्ट टू राइट भी स्वाइप कर सकते हैं। गेम में जाने से पहले आपको बता दूं कि हैंड क्रिकेट की 3 गेमें हैं, हैंड क्रिकेट ऑफलाइन, हैंड क्रिकेट ऑनलाइन चैलेंज, हैंड क्रिकेट 18, ठीक है। तो ये 3 गेम हैं, तो आज हम हैंड क्रिकेट ऑफलाइन को खेलेंगे और इसकी सेटिंग वगैरह को देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हैंड क्रिकेट ऑफलाइन में कोई भी आपको परमिशन नहीं देनी पड़ती, लेकिन हैंड क्रिकेट ऑनलाइन में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए मैं थोड़ी सी वॉल्यूम कर देता हूँ और हम चलते हैं। Volume controls hidden. Oh. एक सेकंड. System launcher. Screen record. Closed recents. तो अब चलते हैं हम हैंड क्रिकेट में. Hand cricket. तो हैंड क्रिकेट को ओपन किया. तो. Hand cricket. Hand cricket. Play button. तो इस तरह से इंटरफेस आ गया. हमारे सामने पहला ऑप्शन है प्ले बटन का. Instructions button. दूसरा इंग्लिश, इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मेरे को प्रॉब्लम होती है. इंट्रेक्शंस यानी इसकी डायरेक्शन जो है कि कैसे कैसे खेलना है वो है. Settings, button. तीसरा है सेटिंग बटन, चौथा बटन है, पांचवा भी बटन है, छठा भी बटन है, और सातवा भी बटन है. एक है नोटिफाई, ठीक है. ये तीन ऑप्शन के बाद जो चार बटन है इनका मैंने नहीं देखा है, देख लेंगे अगर ये काम के होंगे तो, ठीक है. आगे नोटिफाई, ओके. तो सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग में, ठीक है. सबसे पहले नोटिफाई, हाँ सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं, चलिए, ठीक है. प्ले बटन का तो हमें नहीं देखना है, प्ले बटन का
क्योंकि ये तो खेलने के लिए है, इसलिए play button, instructions button, instructions को भी हम बाद में देखेंगे. settings button. तो चलिए तीसरे ऑप्शन सेटिंग में चलते हैं. hand created, navigate up button. यहाँ पे दो तीन ऑप्शन हैं, हालांकि किसी को नहीं छेड़ना है हमें, ठीक है. settings, add slash new team. हम टीम ऐड कर सकते हैं इसमें, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है. वीडियो में, इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा. वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा. Add slash new player. Add slash new player. Sound. Sound. अभी sound है नहीं है. Check. Switch. अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप बैट से शॉट मारेंगे तो वो साउंड ना आए तो आप इसे नॉट चेक कर सकते. Stop recording. 3 minutes. Stop recording. तो अब एड स्लैश व्यू ये तीन बार ऑप्शन जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम आपको मैच खेल के दिखाएंगे और बाकी ऑप्शंस दिखाएंगे, ठीक है. तो बैक करते हैं. हैंड क्रिएटेड सेटिंग्स बटन. तो ये पहला बटन, इस पे क्लिक करते हैं. एंड्रॉइड सिस्टम शेयर व्यू. अच्छा, ये जो पहला बटन है इससे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है. मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन है प्ले, इंटरेक्शन, सेटिंग और बटन. तो जो जो मतलब चौथा पहला बटन है उस पर शेयर कर सकते हैं, ओके. हैंड क्रिएटेड बटन. तो दूसरे बटन पे देख लेते हैं क्या है. बटन क्लिक करते हैं. डिटेल्स फॉर ऐप. हैंड क्रिएटेड गेम ऑफलाइन. अल्टीमेट क्रिकेट फन. प्ले स्टॉप. प्ले बटन. प्ले बटन. ओके, तो ये सीधा प्ले स्टोर पे हमें ले जाता है. अभी मैंने नेट ऑफ पर रखा है, ठीक है. हैंड क्रिएटेड बटन. बटन इस पे क्लिक करते हैं एक बार. Showing password keyboard. Send your feedback or suggestion to improve this game on top. Start recording on top. Okay. Email edit box. तो यहाँ पर जो है हम feedback send कर सकते हैं. Back. मैं आपको keyboard समझा दूँगा दोबारा से. Back. ठीक है. Hand created. Button. Button. Please connect to your internet. Okay, इसके लिए हमें net connect करना पड़ेगा. तो ये पता नहीं क्या है. Notify. Notify पे क्लिक करते हैं. Hand created. Button. There is no message here. Once okay. arrived, you will get notified. Okay. तो यहाँ पे अगर मैसेज आएगा तो आप जो है मतलब नोटिफाई दे सकते हैं. तो देखिए, जो बटन है इनका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आप देख सकते हैं इसको अपने हिसाब से, ठीक है. जो पहला बटन है उससे शेयर, दूसरा बटन है उससे शेयर कर सकते हैं, मतलब सॉरी पहला बटन से आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे बटन से आप प्ले स्टोर पे ये नहीं जाता है, तीसरे बटन से ये फीडबैक सेंड करने के लिए आ जाता है ऑप्शन, उसे चौथे बटन से ये बोलता है प्लीज़ कनेक्ट इंटरनेट. मैं नेट इसलिए नहीं कनेक्ट कर रखा क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं और ये ऑफलाइन खेलने वाली है. तो चलिए अब हम इंटरेक्शंस में चलेंगे, आपको पढ़ के बताना ज़रूरी है, ठीक है. इसलिए हम इसके रूल्स भी जान लेंगे. चलिए Navigate up button. सब कुछ समझाता हुआ चलूंगा. Instructions. Welcome to hand cricket. Okay, यहाँ पे heading है Welcome to hand cricket. General. यहाँ पे general रखा है. A team can contain minimum 11 players which are eligible to play. Okay, तो एक team में only 11 player खेल सकते हैं. You can add slash delete slash view the teams and players by clicking the settings button. Okay, हम setting में जाके team को delete कर सकते हैं, add कर सकते हैं. You can select your own or predefined team. हम ओनर टीम का सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है नेट भी ऑन करना पड़ेगा मुझे बाद में, चलिए देख लेंगे. You can select your own or predefined opponent team. अच्छा, हम ओनर जो दोनों टीमों के लिए ओनर सिलेक्ट कर सकते हैं. You can select the number of overs to play. हम ओवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं. Slot selection. Slot selection. Choose default or custom slot. हम custom और default slot choose कर सकते हैं. Default slot selection contains first 11 players from your squad. ठीक है, डिफॉल्ट पहले 11 प्लेयरों के लिए है. By selecting the custom squad, you can able to select players and rearrange player order. Okay, हमें ये नेबन करना पड़ेगा. Batting. Batting. Click any one of these available runs to score. किसी भी वहाँ पे 6 बटन होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम किसी भी अगर क्लिक करेंगे तो रन हमें मिलेगा. 1 button. ठीक है, 1 button. 2 button. 2 button. 3 button. 3 button. 4 button. 5 button. 5, 6 button. Okay. Bowling. If you are batting and opponent team bowls the same score, then you will get out, or else the run will be added to your team score. ठीक है, देखिए, जैसे कि हमने बन दबाया और उन्होंने भी मतलब बन हो गया तो आउट हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं, ठीक है?
If you are bowling and opponent team hits the same score, then opponent team player will get out, or else the run will be added to the opponent score. Okay, ठीक है. Stop recording. Start 7 minutes. Stop recording. तो चलिए अब हम पहले एक ओवर की गेम खेलेंगे. ओनली मैं एक ही ओवर की गेम खेलूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए. ठीक है, तो अब जब हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमें एक्सप्लोर बाय टच का मैं यूज़ करूंगा. आप लेफ्ट राइट स्वाइप कर सकते हैं. यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या अबाउट पेज पर जाकर मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कमेंट वैसे कर देते हैं, मतलब कुछ सोचते नहीं और उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसा ना करें. और जिनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अबाउट पेज में हमने नंबर इसलिए दे रखे हैं. या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक दिया होता है, वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए बैक करते हैं. चलिए प्ले पे क्लिक करते हैं. अभी मैं लेफ्ट राइट ही स्वाइप करूँगा. जब गेम स्टार्ट हो जाएगी तो मैं रन के लिए करूँगा. ठीक है, मतलब ओ एक्सप्लोर बाय टच. हैंड क्रिकेट. चूज योर टीम. चूज योर टीम. ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री. अच्छा, अब यहाँ से हम कंट्री चूज करेंगे. पॉप अप विंडो ऑन टॉप. स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन बॉटम. चेक कंट्री. अफगानिस्तान. अफगानिस्तान. ऑस्ट्रेलिया. बांग्लादेश. इंग्लैंड. इंडिया. Ireland, India. तो ये जो मैंने टीम्स ने किए हैं इंडिया. ड्रॉप डाउन लिस्ट इंडिया. ओके. चूज योर ओपोनेंट टीम. ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री. अब ओपोनेंट टीम हमें चूज करनी है. दोनों टीमें हमें चूज करनी है, मतलब जो हम हमारे विरोध में खेलेगी वो भी और जो हमारी टीम होगी वो भी. तो अभी मैं क्लिक करता हूं. पॉप अप विंडो ऑन टॉप. स्टार्ट रिकॉर्डिंग. अफगानिस्तान. इंग्लैंड. आयरलैंड. न्यूजीलैंड. पाकिस्तान. स्कॉटलैंड. चलिए हम पाकिस्तान. पाकिस्तान को चूज करेंगे. साउथ अफ्रीका. South Africa. चलिए हम साउथ अफ्रीका को चूज करते हैं. ओके. साउथ अफ्रीका. हैंड क्रिकेट. ड्रॉप डाउन लिस्ट ओवर्स. ओवर्स. ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट ओवर्स. सेलेक्ट ओवर्स. पॉप अप विंडो ऑन टॉप. स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन बॉटम. सेलेक्ट ओवर्स. ओके, अब यहां पे देखते हैं कि कितना कितने ओवर्स हैं. अच्छा, मैं तो अभी आपकी टीम्स भी दिखानी है. टीम्स यहां बहुत सारी हैं. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं शायद. ठीक है, टीम जो भी आप करना चाहते हैं. एक दो दो पाँच पाँच दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस पचास पचास. स्टॉप रिकॉर्डिंग. 50. पॉप अप विंडो. ओके, तो लास्ट ओवर है 50. एक दो पाँच दस पंद्रह पचास पंद्रह बीस पचास. तो यहाँ पर मैं एक ओवर का सिलेक्ट करूँगा क्योंकि बीस पंद्रह दस पाँच दो एक. ठीक है, एक दो पाँच दस पंद्रह बीस पचास. तो एक पे क्लिक किया. हैंड क्रिकेट. ड्रॉप डाउन लिस्ट वन. ऑटो बॉल. नॉट चेक्ड. यस. रेडियो बटन. यस ही. ठीक है, यहाँ पे आपको नॉट चेक यस कर देना है. नॉट चेक. नो. रेडियो बटन. नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट कर देना है. उसके बाद हैंड क्रिकेट. यस. यस. टॉस बटन. अच्छा, अब आपको एक्सप्लोर बाय टच करना है. बीच में आपको एक ऑप्शन रहेगा टॉस बटन. तो एक मिनट, मैं पहले 100% मीडिया सही है. टॉस बटन. टॉस पे क्लिक करता हूं. वॉल्यूम कंट्रोल्स हिडन. हैंड क्रिकेट. यहाँ पे टॉस हो गया है. और यस, हैंड क्रिकेट. साउथ अफ्रीका वन द टॉस एंड चूज द बैट फर्स्ट. ओके, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और बैटिंग लिया है. प्ले बटन. तो हम प्ले पे क्लिक करेंगे. और हैंड क्रिकेट. नेविगेट अप. ओवर बटन. सिस्टम यूआई. एंड ऑफ इनिंग्स ऑन टॉप. स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन बॉटम. साउथ अफ्रीका. फ्रेंड्स, ये मेरा फोन थोड़ा सा हैंग हो गया. बैक बटन. मैं फिर से डिसमिस करके करूंगा क्योंकि मैं कुछ समझा नहीं पाया आपको. खुद ही फोन खुद ही मतलब शॉट चलने लग गए. ठीक है, तो सॉरी, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ. हैंड क्रिकेट. हैंड क्रिकेट. हैंड क्रिकेट. प्ले बटन. हाँ, तो हम प्ले पे क्लिक करते हैं. हैंड. चूज योर ड्रॉप डाउन लिस्ट. कंट्री. पॉप अप. इंग्लैंड. इंडिया. इंडिया. कंट्री. यहाँ पे क्लिक किया. हैंड क्रिकेट. ड्रॉप डाउन लिस्ट. पॉप अप. England, New Zealand, Pakistan, Scott, South Africa, South Africa, South Africa, and cricket. Drop down list, overs. Drop down list, select overs. Overs. Pop up. Eight. And cricket. Drop down, auto, not checked, yes, radio, checked. इसे आप नोट चेक ही रहने देना, ठीक है? क्योंकि जो है ये not checked, no, checked. इसी से मुझे लग रहा है कुछ होता होगा क्योंकि खुद ही मतलब चल गया है ना.
टेक्स्ट बटन। तो ये जो बोलता है नो चेक ऑटो बोल उसको नो कर देना आप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, टॉस बटन, टॉस करते हैं। कैन क्रिकेट, तो देखते हैं ये हो रहा है। प्ले बटन एंड साउथ अफ्रीका वन द टॉस एंड चूज द बैट फर्स्ट। ओके, इन्होंने बैट लिया है। प्ले बटन, स्टार्ट हो। हाँ, तो अब देखिए स्टार्ट हो गया गेम। ध्यान रखिएगा कि जो जब आप ओवर चूज़ करते हैं, टीम चूज़ करते हैं, उसके बाद एक जगह आता है नो चेक ऑटो बॉल, उसको यस नहीं करना, नो करना है। मैंने यस कर दिया था इसलिए वो खुद ही हो गया। चलिए अब हम खेलते हैं। तो चलिए पहली बॉल साउथ अफ्रीका। ओके, इन्होंने शायद एक मारा है। ओके, आउट हो गया इसी के साथ, ठीक है। तो चलिए ये दो रन मारे हैं इन्होंने। साउथ अफ्रीका अगर चौका छक्का मारेंगे तो तेज आवाज आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लोग खेल रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। साउथ अफ्रीका विकेट लास्ट विकेट वन बटन। तो एक मारते हैं अब। तो ये चलिए इनिंग हो गई है और यहाँ पे देखते हैं कितने का टारगेट है। ओवर्स कंप्लीटेड एक, टोटल स्कोर 22। ओके, इन्होंने 22 रन मार दिए, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पता चल पा, मतलब थोड़ा सा शॉट में अगर नहीं भी पता चल पा रहा होगा, है ना। तो चलिए विकेट एस विकेट एक, एक रन रेट 22.0। ओके, इंडिया को 23 रन बनाने हैं। प्ले बटन, चलिए तो चलिए इसी के साथ होती है शुरुआत। फोर बटन, तो सिक्स थ्री टू बटन। तो बढ़िया, अब तक हम दो गेंदों में 6 रन मार चुके हैं। सिक्स बटन, आउट हो गया शायद, कोई बात नहीं। तो हम बना तो नहीं पाएंगे लग रहा है। थ्री बटन, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो पूरी करेंगे। 9 रन बन चुके हैं शायद। लास्ट विकेट 1 2 1 विकेट इंडिया 16 शिखर ओवर 0 शिखर धवन आउट हो गए। ओवर शेयर ओवर शिखर धवन विराट 4 बटन, चलिए 4 बटन। फ्रेंड्स, हम लोग जीत चुके हैं। साउथ अफ्रीका वन द मैच बाय 9 रन्स। अच्छा अच्छा, साउथ अफ्रीका जीत गई है, सॉरी 9 रन से, ठीक है। तो इस तरह से गेम खेलनी है, ठीक है, थोड़ा सा गेम, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ इसलिए। तो चलिए अब आपको सिर्फ दिखाना है टीमें कितनी हैं इसमें, ठीक है, और टीम को ऐड और डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 13 रन बना पाए। South Africa dash 22. Okay. Scorecard. India button. South Africa button. Exit button. तो exit कर देते हैं और hand cricket. Play button. अब हम चलते हैं setting में. Setting में आपको दिखाना है team को कैसे add करते हैं और delete करते हैं. Instructions button. Settings button. तो उम्मीद करता हूँ hand cricket. Navigate up button. Game आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा short में इसमें मुझे पता नहीं चल पाता, ये offline वाला है, ऑनलाइन बनने में पता भी चलता है। तो आप लोग खुद से इसे खेल सकते हैं। हाँ, जो चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कॉन्टेक्ट। ओके, सो चलिए @newteam पे क्लिक करते हैं। नेविगेटर में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंग्लैंड, चलिए किसी एक इंडिया,
इंडिया, चलिए पहले हम टीम्स गिनने थे, नब्बे कितनी टीम है, अफगानिस्तान एक, ऑस्ट्रेलिया दो, बांग्लादेश तीन, इंग्लैंड चार, इंडिया पाँच, आयरलैंड छह, न्यूजीलैंड सात, पाकिस्तान आठ, स्कॉटलैंड नौ, साउथ अफ्रीका दस, श्रीलंका ग्यारह, United Arab Emirates 12, West Indies 13, Zimbabwe 14, bad team button. चलिए अब हम यहाँ से एड टीम भी कर सकते हैं. ओके okay, यहाँ पर श्रीलंका नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं. ओके okay. Stop recording. Stop 70. Stop recording. तो यहाँ पे हम ऐड टीम पे क्लिक करेंगे. 70. Stop. Bad team button. Hand created. Add team. Team name. Short name. Logo. Navigate up. But edit box. Maximum edit box. Maximum three letters. Edit box. Edit box. Okay. Maximum showing English India QWERTY keyboard S capital Z board capital S capital S डाल के देखते हैं हम F G H H Y U I Mag add team team name maximum three letters edit add team team name short name navigate up editing maximum three letters editing shy edit box maximum three letters edit logo button keyboard hidden camera on top start recording on bottom camera button camera gallery button okay yahan se hum apni favorite koi team add kar sakte hain gallery stop recording start okay. gallery camp bag to agar aapko add karna ho to aap kar sakte hain bag kyunki main nahi add karunga navigate up button matlab apni team apne man pasand koi team add kar sakte hain extra mein jaise maan lo himachal ya koi bhi aap apni team add kar sakte hain okay bag so chaliye talkback on hand created Navigate up button. इसमें थोड़ा सा हैंग भी कर रहा है ये. Add slash new player. Add slash new player क्लिक करते हैं. Hand created. Navigate up. Add slash choose your team. Drop down list country. अच्छा हम यहाँ से जो है country choose करके और player को remove कर सकते हैं. Pop up window. I've got cost. Bank England. India. Ireland. India. Hand created. Drop down list button. Button. Shikap. Mahendra Singh Dhoni. Button. हर एक के आगे बटन है क्लिक करते हैं. Player attributes on top, screen recorder on bottom. Name. Mahendra Singh Dhoni, edit box. Role. Drop down list, wicketkeeper. Okay. Captain. Drop down list, wicketkeeper. हम यहाँ से change कर सकते हैं. Pop up window on top, screen recorder. Batsman. Bowler. Batsman. यहाँ पे हम change कर सकते हैं, okay? Bag. Player attributes on top, screen recorder. Captain. Not checked. Checkbox. Okay. Check करेंगे. Checked. Captain को. Done. Button. Done. Okay. Hand created. Navigate so up. इस तरह से आप कर सकते हैं. तो back करता हूँ. Back. Hand created. Add sound. Checked. Switch. Okay. तो इस तरह से ये गेम कंप्लीट होती है और मैं आपको इसके मेन मेन चीजें बता देता हूँ. ठीक है. तो चलिए. Over. अब गेम को करते हैं. System. Closed recess. तो ये है हैंड क्रिकेट ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट ये खेली जा सकती है. अगर आपके पास नेट नहीं है और आप खेलना चाहते हैं तो इसे बड़े आसानी से खेल सकते हैं. प्ले स्टोर पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा. उसके बाद आप इसे ओपन कीजिएगा. ओपन करने के बाद ऑप्शन है प्ले, उसके बाद इंटरेक्शन सेटिंग, फिर चार बटन हैं जिसमें से तीन बटन जो एक ही बटन काम का है हमारा वैसे. ठीक है. एक पहला जो बटन है वो शेयर का है, बाकी सब ऐसे ही है, मतलब देख सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद इंट्रेक्शन, इसके रूल्स मैं बता देता हूँ. मैक्सिमम हम 11 प्लेयर कर सकते हैं. अपनी ओर से एक्स्ट्रा टीम्स को ऐड कर सकते हैं, प्लेयर को ऐड कर सकते हैं, प्लेयर का रोल चेंज कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद बारी आती है सेटिंग की. तो सेटिंग में वही है, व्यू टीम, व्यू स्लैश ऐड टीम और व्यू स्लैश ऐड प्लेयर. ठीक है. उसके बाद साउंड है, साउंड को अगर आपको चेक करना है तो कर देना, तो नहीं प्ले बटन पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपसे बोलेगा ओवर चुनने के लिए. तो इसमें ओवर हैं 1, 2, 5, 10, 15, 20 और 50. ओके. सो उसके बाद जो है आप पहले कंट्री चूज़ कीजिएगा. बहुत सारी टीमें हैं इसमें, लगभग 14 टीमें हैं. ठीक है. तो आप टीम्स कोई भी चूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपको ओवर चूज़ करना है. उसके बाद विकेट आपको चूज करना है. उसके बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा नॉट चेक ऑटो बॉल, तो उसमें यस होगा और नो होगा तो आपको नो करना. अगर आप नो नहीं करते हैं, यस करते तो अपने आप ही होता रहेगा कंटिन्यू. ठीक है. तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा. ठीक है.
तो ये कुछ गेम्स के रूल्स थे। उम्मीद करता हूँ ये पहली गेम आपको समझ में आई होगी। इसमें मैंने कोई लाइक का टारगेट नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी 50 लाइक तक जरूर पहुँचाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।